तारिणी सूर्याय नमः। भक्त जनों, आज हम आप सबको छठ पर्व की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पर्व वैदिक काल से ही सनातन संस्कृति का प्रमुख अंग बना है। आइए अब इस पावन छठ पर्व के पौराणिक और प्रचलित कथाओं का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। हम आज तुम्हें छठ पर्व की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की बहन छठी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किस तरह पर्व प्रारंभ हुआ हम आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया की महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, छठ पूजा को पर्व ही नहीं बल्कि एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा का यह महापर्व पूर्ण शुद्धता और प्राकृतिक तरीके से बड़े ही उत्साह के साथ किया जाता है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को शुद्ध हृदय से रखने वाले की समस्त मनोकामना निर्विघ्न पूर्ण होती है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। पूजा का पर्व वर्ष में जब भी आता है, भक्त जनों का मन अतिशय प्रसन्न हो जाता है। तिथि चतुर्थी से षष्ठमी सप्तमी तक लगातार पूर्ण रूप उत्साह से चलता है यह शुभ त्योहार। यह कठोर व्रत 4 दिनों तक चलता है अति खास, इसको करते हैं श्रद्धालु जन रख के विश्वास। इसमें सूर्य देव की पूजा का है पुण्य विधान, सूर्य देव हरते हैं भक्तों के मन का ज्ञान। इस व्रत को करने से काम सभी बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया के महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया को ब्रह्म देव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य देव की बहन बताया गया है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है और भगवान सूर्य देव को भौतिक शरीर का स्वामी अथवा देवता माना जाता है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। किस प्रकार
संस्कार से छठी मात का हुआ पुण्य अवतार। कहता हूँ मैं दिव्य कथा सब सुनो हृदय में धार। ब्रह्मा जी को मिला सृष्टि की रचना का जब भार। करने लगे विधाता तब चहूं और सृष्टि विस्तार। फिर ब्रह्मा जी के मन में आया है एक उपाय। अपने ही शरीर को दो भागों में दिया बना। एक भाग बन गया पुरुष दूसरा प्रकृति स्वरूप। दोनों ही थे ब्रह्म देव के भावों के अनुरूप। दोनों ही सृष्टि रचना में हाथ बटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, छठ मैया के महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, ब्रह्म देव के उस प्रकृति स्वरूप ने अपने आप को छह भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें से एक मात्र देवी कहलाई। आपको बता दें कि छठी मैया इन्हीं मात्र देवी की छठवीं अंश हैं, इसलिए इन्हें छठी माता या प्रकृति की देवी के रूप में जाना जाता है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, छठी मैया की जय। माता छठ देवी की महिमा सुनो लगा कर ध्यान। एक बार सुर और असुर का हुआ युद्ध घमासान। देव सभी दानव से यह संग्राम गए जब हार। तब माता अदिति के सम्मुख करने लगे पुकार। माँ अदिति ने छठी मात का जब आह्वान किया, तब छठ माता ने उनको मन चाहा वर दिया। वर के दिव्य प्रभावों से माता अदिति के घर प्रकट हुए हैं सब प्रकार संपन्न नाथ दिनकर। सूर्य देव के हाथों दोनों मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, छठ मैया के महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, छठ माता को पुराणों के अनुसार नवरात्र की षष्ठी तिथि को पूजी जाने वाली माता कात्यायनी का ही स्वरूप बताया जाता है। माता छठ की महिमा बड़ी अपार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। वह सब प्रकार से सुखी और प्रसन्न थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, छठी मैया की जय। सब प्रकार थे सुखी मगर ना थी कोई संतान। इसी बात से राजा के मन में था कष्ट महान। एक रोज महाराज प्रियव्रत होकर बहुत उदास, मन की व्यथा सुनाने पहुँचे ऋषि कश्यप के पास। मुनिवर बोले, धीर धरो, अब तुम ना घबराओ। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ एक पावन करवाओ।
महाराज ने मुनि कश्यप को सादर शीश झुकाए। पुत्र प्राप्ति के हित यज्ञ किया एक पावन जाए। यज्ञ हुआ है पूर्ण महाराजा हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया के महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, इस पुत्रेष्ठी यज्ञ के फलस्वरूप महारानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद जब संतान सुख प्राप्त करने का समय आया, तब रानी ने एक प्राण विहीन मृतक बालक को जन्म दिया। इस बात का पता चलने पर राजा प्रियव्रत बड़े दुखी हुए और संतान शोक में आत्महत्या का मन बना लिया। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, छठी मैया की जय। महाराज ने मृतक पुत्र का पाया जब संदेश, तब उनके मन में छाया है अतिशय कष्ट कलेश। राजा प्रियव्रत अपने मन में करने लगे विचार, इस प्रकार जीने से अच्छा मृत्यु का आधार। यही सोच कर राजा प्रियव्रत चले त्यागने प्राण। तभी अचानक प्रकटा एक प्रकाश का पुंज महान। उस प्रकाश के तेज पुंज से एक देवी सुंदर राजा के देखते देखते निकली है बाहर। राजा प्रियव्रत उस देवी को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया के महिमा की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब महाराज प्रियव्रत उस देवी से उसका परिचय पूछते हैं, तब वह अलौकिक तेजस्विनी देवी कहती है, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी सच्चे भाव से मेरी पूजा और आराधना करते हैं, मैं उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, छठी मैया की जय। माँ षष्ठी कहती है, अगर करो तुम मेरा ध्यान, तो मैं तुम्हें शीघ्र ही पुत्र करूंगी दिव्य प्रदान। इतना कहकर षष्ठी माता हो गई अंतर ध्यान। महाराज हो अति प्रसन्न आए अपने स्थान। राजा ने माता की आज्ञा का करके पालन, तिथि छठ को किया भाव से शुभ पूजन वंदन। माँ षष्ठी की कृपा हुई तो महाराज के घर सब प्रकार संपन्न गुणों का पुत्र हुआ सुंदर। राजन बार बार माँ का आभार मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया के महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह
भक्तजनों, छठ पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है कि इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम छठ के व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात पूरा दिन निर्जल व्रत का पालन करें। फिर छठ के पहले दिन शाम को किसी नदी के किनारे जाकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य को संध्या अर्घ समर्पित करें। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। सूर्य देव को अर्घ के लिए बांस की टोकरी लाए, उसमें पूजा की सामग्री को क्रमबद्ध सजाए। ठेकुआ मालपुआ फल व्यंजन भोग आदि रख कर सूर्य देव को अर्घ समर्पित कर दे शुभ साधर। पूरा दिन और रात निर्जला व्रत का हो पालन, प्रातः उगते सूर्य देव का फिर पूजन वंदन। छठ पूजा के पहले दिन को कहते नहाए खाए, जिसमें सब मिलकर भोजन देती स्वादिष्ट बनाए। इसको ही दोपहर समय सब मिलकर खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, छठ मैया के महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, संध्या काल में सूर्य पूजा के बाद महिलाएं उस दिन के व्रत का पारण करके अगले दिन पुनः उगते सूर्य को अर्घ देकर पूजा करती हैं। छठ का व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित माना जाता है। इस व्रत के करने से महिलाओं को आज्ञाकारी एवं गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। यह मैंने केवल संक्षिप्त विधि बताई है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, छठी मैया की जय। पूजा का पर्व है महिलाओं का शुभ त्योहार, इससे सदा सुखी रहता सौभाग्य और परिवार। इस व्रत के करने से घर में खुशियां छाती है, इस व्रत से पथ की सारी बाधा मिट जाती है। इस व्रत से तो मिलता है दीर्घायु का वरदान, इस व्रत से तो स्वस्थ सुखी रहती सदैव संतान। मनोज बंटी सानंद मात को शीश झुकाता है, आलोक सुनील प्रेम से पावन गाथा गाता है। कथा श्रवण करते जो मन वांछित फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, छठ मैया के महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।